इस वीडियो में टॉपिक नंबर 6 राजस्थान की राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो लक्ष्य वस्तुनिष्ठ 10001 प्रश्नों का समावेश है। इसमें भाग एक भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का टॉपिक नंबर जो 6 है मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। इसके पुराने टॉपिक जो भी 5, 4, 3, 2 और 1 ये मैंने इसके पुराने वीडियो में करा दिए हैं। आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, एजुकेशन दोस्त की प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको राजस्थान जीके बाय लक्ष्य वस्तुनिष्ठ प्लेलिस्ट दिखेगी, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन। टॉपिक नंबर 6 है राजस्थान की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो राज्य की है व्यवस्थापिका, विधानमंडल व राज्यपाल के बारे में सबसे पहले। तो व्यवस्थापिका होती है विधानमंडल और राज्यपाल, तो इन दोनों के बारे में अपन सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना संवैधानिक आवश्यकता है? मतलब राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री सलाह लेता है, तो यह केवल एक परंपरा है, संवैधानिक ज़रूरत नहीं है। तो परंपरा के अनुसार ले सकता है, बाकी ऐसा कोई संवैधानिक रूल नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी कर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 213(1). राज्यपाल निम्न में से किस प्रकार के विधेयक को राज्य विधानमंडल के समक्ष पुनर्विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता है? तो इसका आंसर होगा वित्त विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र में रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं, राज्य के विधानमंडल के सत्र में ना होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी आपातकालीन निर्णय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अध्यादेश जारी कर सकता है तथा विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक ही ऐसा अध्यादेश वैध रहता है, बशर्ते कि विधानमंडल में तत्संबंधी न बना दिया गया हो। तो विधानमंडल ने अगर वैसा नहीं बना दिया हो तो वह जारी रहेगा, अन्य बनाया हो तो वो जारी नहीं रहेगा। आगे चलते हैं अपन। विवेकाधीन शक्तियाँ के प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? तो संघीय सरकार। अगर अपने राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो संघीय सरकार के अनुरूप कार्य करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनुच्छेद 352। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्यपालों की सलाह से भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उस पर चर्चा हुई है? तो 4 बार। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की थी? 160। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो थर्ड सम्मिलित नहीं है, सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 154 राज्य के कार्यपालक शक्तियाँ, 154 में राज्य के कार्यपालक शक्तियाँ। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। योग्यता अनुच्छेद 157 में वर्णित है। राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार करना है हमें, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। इसका समय 5 वर्ष का होता है। इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है इसका, और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार होता है। विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा स्पीकर करता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है जो स्पीकर वो करता है, मुख्यमंत्री नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? अनुसूचित जो जाति है उसकी महिलाएं कितनी हैं? 11। 14वीं की थी ये। चुनाव के बाद 12 अनुसूचित जाति की महिला सदस्य थी, परंतु संतोष अहलावत का लोकसभा सदस्य के रूप में निधन, संतोष अहलावत का लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सदस्य जो कितनी रह गई, एससी के सदस्य रह गई 11। तो जो तो टोटल पहले 12 थी, बाद में 11 ही रह गई है।
एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है तो हमें बताना है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ इसमें नहीं थे, ये सत्य है, और इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होने चाहिए, ये भी सत्य है। वे जो ये होते हैं अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, ये भी सत्य है। अब है विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967 में, 1967। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? लक्ष्मण सिंह। अब हमें कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं, उस समय सत्य कथन बताने, तो इसमें से सही होगा, सभी सत्य हैं चारों ही चारों, तो वो चारों बता देता हूँ। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। तो आगे शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, 159 में दी गई है। राज्य विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी जरूरी है? दो। राज्य विधानसभा की दो बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, अतः वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना आवश्यक है। राज्य के 14 विधानसभा हेतु चुनाव कब हुए थे? तो 1 दिसंबर 2013 को। विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चुनने सकते हैं? तो सभी सदस्यों में से किसी को भी। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार विधानसभा का अध्यक्ष बन सकता है? जितनी बार उसे सदस्य चुने उतनी बार बन सकता है। संविधान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष बनने के अवसरों की सीमा निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति के निर्धारित शर्तें पूरी करने पर सदस्यों द्वारा कितनी ही बार अध्यक्ष चुना जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनुच्छेद 352। किस विधानसभा के चुनाव में सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी? तो जो छठी विधानसभा 1977 से पूर्व विधानसभा सदस्यों की संख्या 190 थी, जो पुनर्सीमन के बाद छठी विधानसभा में 200 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राजस्थान में पहली विधानसभा का समय क्या था? 1952-57। राज्य सरकार के तीनों अंग कौन कौन से हैं? न्यायपालिका, विधानमंडल और कार्यपालिका। विधायिका में कौन कौन शामिल है? विधानसभा, विधान परिषद यदि विद्यमान है तो, और राज्यपाल। राज्य में कानून निर्माण या उन्हें या रद्द करने की शक्ति विधायिका की है। राज्य विधानसभा, विधान परिषद, द्विसदनीय सदन मंडल है तो, तथा राज्यपाल मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो नए अध्यक्ष चुने जाने तक होता है। विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो जयपुर में है। वर्तमान में सबसे अधिक जयपुर में सीटें हैं विधानसभा की। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर सकता है? समिति के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकता है। राज्य सरकार के लेखों की जाँच हेतु विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही 15 सदस्यों की गठित समिति, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। विधानसभा अध्यक्ष 15 में से किसी को भी इसका अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। 14वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य थे? 14वीं विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के कितने थे सदस्य? तो 24 थे। दिसंबर 2013 में हुए 14वीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के मात्र 21 सदस्य थे, परंतु सितंबर 2014 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें और मिल गई, अतः पार्टी में कुल 24 सदस्य हो गए थे। 1 दिसंबर 2013 को हुए विधानसभा चुनाव में राज्य के कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मत डाले थे? तो 67.3। तो इसका गलत होगा फर्स्ट ऑप्शन 67.3, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 75.3। तो ध्यान रखिएगा 75.3। वैसे क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं पूछा जाएगा। राज्य में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला था? 12वीं में।
राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत वर्ष 2003 के 12वीं विधानसभा के चुनाव में मिला, जब पार्टी ने वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 200 सीटों में से 120 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू रहा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक दूसरी बार, और तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। राज्य में पहली बार संपूर्ण राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कब कराया गया था? 12वीं विधानसभा में। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ और जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ और जैसलमेर में मात्र दो दो ही है। इनके अलावा बूंदी व सिरोही में तीन तीन सीटें हैं। परिसीमन में किस जिले की विधानसभा सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? जयपुर। परिसीमन आयोग द्वारा राज्य की विधानसभा व लोकसभा सीटों का पुनर्सीमांकन किया गया, इसके बाद जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीटें हो गई तथा दो लोकसभा सीटें हैं। नवीनतम परिसीमन के बाद वर्तमान में राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो है 34 सीटें अनुसूचित जाति की है और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित तथा सामान्य वर्ग की सीटें 141 रह गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी जो हमने बता दिया, 34, 25 और 141। अब विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही। विधानसभा अध्यक्ष पद पर विधानसभा सदस्य अपने में से ही किसी को बहुमत के आधार पर चुनते हैं तथा उसे कभी भी बहुमत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? विधानसभा का। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में विधानसभा निम्न सदन का गठन करना अनिवार्य है, परंतु जो विधानमंडल होता है विधान परिषद, तो विधान परिषद का उच्च सदन का गठन विधानसभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद तथा संसद द्वारा किया जा सकता है। दिसंबर 2017 तक देश के केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, तो विधानमंडल में विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होती है, तो विधानसभा को अनिवार्य है लागू करना पर विधान परिषद को नहीं है। अभी तक 7 राज्यों में है विधान परिषद। विधानसभा सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? वह भारतीय नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, सरकार में लाभ के पद पर धारण न करता हो। 14वीं विधानसभा के 2013 में हुए चुनावों में सर्वाधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुई थी? भाजपा को। 14वीं विधानसभा हेतु दिसंबर 2014 को हुए चुनावों में सर्वाधिक 163 सीटें वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। सितंबर 2014 में हुए 4 सीटों के उपचुनाव में 3 सीटें कांग्रेस को चली गई, अतः भाजपा की कुल सीटें 160 ही रह गई। राज्य की पहली महिला विधायक यशोदा देवी किस पार्टी की थी? तो किसकी थी वो? प्रजा समाजवादी पार्टी। 18वें राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? 18वें, तो इसका सही आंसर होगा कैलाश मेघवाल। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? झुंझुनू से। श्री नरोत्तम लाल जोशी कांग्रेस पार्टी झुंझुनू से विधायक चुने गए थे। विधान परिषद के सदस्यों के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 30 वर्ष। विधान परिषद के जो सदस्य की प्रत्याशी होते हैं उनकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। राज्य की विधायी शक्ति किस में निहित होती है? राज्य विधानमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते कौन थे? हरिदेव जोशी।
हृदय जोशी लगातार 10 बार जीत गए, प्रथम 10 विधानसभा चुनाव में लगातार जीते। राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान व्यवस्थापक विधानमंडल में कितने सदन है? 1 सदनीय। राजस्थान विधानमंडल वर्तमान में 1 सदनीय केवल विधानसभा ही है। राज्य विधानसभा ने दूसरे सदन जो है विधान परिषद गठन हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, परंतु संसद द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा। राज्य विधानमंडल में 1 या 2 सदन हो सकते हैं। निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। विधानमंडल में 2 सदन होने पर दूसरा सदन उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में जनवरी 2018 में से 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल इसे इससे पूर्व विघटित कर सकता है यदि उसे विश्वास हो जाए कि कोई भी दल सरकार गठित करने में असमर्थ नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चुनाव की परिस्थितियां न होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा उपाध्यक्ष। किस वर्ष के बाद राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या में परिवर्तित नहीं हुआ है? तो 1977 के बाद नहीं हुआ है। राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी कौन सी विधानसभा के लिए प्रथम बार चुनी गई थी? प्रथम के लिए ही चुनी गई थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता एवं कार्यवाही का संचालन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य विधानसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 को। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 6 माह का। विधानसभा की 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है तथा 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं रहना चाहिए। अब है, राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राजस्थान विधानसभा का विघटन कर सकता है। राजस्थान की कौन सी विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो 11वीं के लिए। वर्ष 1998 में हुए 11वीं विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 153 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? विधानसभा सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से। आगे चलते हैं। अब इसकी व्याख्या है, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्य अपने में से ही किसी को बहुमत के आधार पर चुनकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की किस विधानसभा में महिलाओं विधायकों की संख्या अब तक सर्वाधिक 28 रही है? तो 13वीं में। 13वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 28 थी जो कि सर्वाधिक थी। 14वीं विधानसभा में भी 28 महिलाओं विधायक जीतकर आई थी। 13वीं में भी 28 थी, 14वीं में भी 28 थी, परंतु भाजपा की श्रीमती संतोष अहलावत के संसद सदस्य निर्वाचित होने के बाद हुए उपचुनावों के बाद महिला विधायकों की संख्या 27 रह गई थी। राजस्थान विधानसभा के सदस्य हेतु चुनाव किस प्रकार होता है? तो वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साधारण मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर हो जाता है। राज्य विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय स्वायत्तशासी निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वयस्क मतदाताओं पंजीकृत द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता तथा निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। कौन सी विधानसभा के लिए हुए आम चुनावों में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था?
चौथी में चौथी विधानसभा हुए थे जो चुनाव, उसमें किसी भी राज्य को, किसी भी जो था राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक अवधि तक परिसीमन जो पदासीन रहने वाले शख्स कौन थे, तो श्री रामनिवास मिर्धा, श्री रामनिवास मिर्धा थे, इन्होंने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक अवधि तक रहे थे। ये किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, पांचवी में। कौन सी विधानसभा को भंग कर राज्य में प्रथम बार मध्य अवधि चुनाव करवाए गए थे, छठी में। राज्य विधानसभा में के दूसरी बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे, 1993 में। राज्य विधानसभा के पहले मध्यावधि चुनाव छठी विधानसभा को जनता सरकार के गिर जाने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा भंग करवाए गए, 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वस्त करने के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण केंद्र की नरसिंह राव कांग्रेस सरकार ने राज्य को भरोसे की शिकावत भाजपा सरकार को बर्खास्त कर 1993 में दूसरे मध्यावधि चुनाव करवाए। राजस्थान की विधानसभा लोकसभा व राज्यसभा सीटें क्रमशः कितनी है, तो विधानसभा सीटें पता ही होगा सबको 200 है और लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा की सीटें 10। राज्यसभा राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, तो 1952 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। राजस्थान विधानसभा के नवीन भवन का उद्घाटन कब किया गया था, 6 नवंबर 2001 को, 6 नवंबर 2001 को किया गया था राजस्थान विधानसभा के नवीन भवन का उद्घाटन। राजस्थान के प्रथम विधानसभा का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल जयपुर। राज्य विधानसभा के प्रथम मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए थे, 1980 में। 1979 से 80 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के बाद संसद के मध्यावधि चुनाव हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने कई राज्य विधानसभाओं को भंग कर दिया, राजस्थान विधानसभा को भी समय से पूर्व भंग कर पहले मध्यावधि चुनाव करवाए गए। राजस्थान की कौन सी विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष की समाप्ति से पूर्व भंग कर दिया था, तो पहली और दूसरी को, मतलब जो छठी विधानसभा थी और नवी विधानसभा थी, मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, छठी और नवी। छठी विधानसभा को भी पहले भंग कर दिया और नवी विधानसभा को भी पहले भंग कर दिया था। छठी विधानसभा को 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने 5 वर्ष निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने से पहले जो था भंग कर दिया था, विघटित कर दिया और मध्यावधि चुनाव करवाए। इसके बाद 1993 में नवी विधानसभा के समय से पूर्व विघटित कर दोबारा मध्यावधि चुनाव करवाए गए। राज्य की कौन सी विधानसभा की समयावधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक की गई थी, तो पंचम की गई थी, पांचवी की। राज्य में पांचवी विधानसभा का कार्यकाल देश में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू होने के कारण संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की विधानसभा, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की विधानसभा धारासभा का राजस्थान विधानसभा में विलय कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या किस वर्ष 200 कर दी गई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1977 में करी गई थी 200, 1977 में। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा का विधान परिषद राज्य विधानमंडल है, तो विधानसभा में विधान परिषद कहाँ पे, 7 राज्यों में, भारत में टोटल 7 राज्यों में अभी। व्याख्या, तेलंगाना के गठन से पूर्व 6 राज्यों में थी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन थे और विधानसभा व विधान परिषद थे, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना के गठन के बाद तेलंगाना में विधान परिषद बनी। इस प्रकार वर्तमान में 7 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानमंडल से बजट पारित होने से पूर्व राज्यपाल राज्य आकस्मिक निधि निधि से व्यय की अनुमति दे सकता है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, राज्य आकस्मिक निधि। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त की गई है, अनुच्छेद 154। निम्न में से किस जिले की पूरी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षित है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की सभी सीटें ST के लिए आरक्षित है। बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 4 और प्रतापगढ़ की 2 सीटें ST के लिए आरक्षित है। साथ ही उदयपुर जिले में भी 8 में से 5 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित है।
श्री कैलाश मेघवाल भाजपा विधायक राजस्थान विधानसभा के कौन से अध्यक्ष थे? तो 18वें थे। राजस्थान की किस विधानसभा के काल में राज्य में तीनों सर्वोच्च पद राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं विधानसभा महिलाओं के पास थे? विधानसभा अध्यक्ष तो अभी थे, मतलब थोड़े टाइम, विधानसभा अध्यक्ष जो 2004 से 7 तक थे उसमें 12वीं में थे, 12वीं विधानसभा में। 12वीं विधानसभा के चुनाव में श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी एवं श्रीमती सुमित्रा सिंह विधानसभा अध्यक्ष थी निर्वाचित की गई थी सुमित्रा सिंह। और नवंबर 2004 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की राज्यपाल बनी। इस प्रकार 8/11/2004 से लेकर 21/6/2007 तक राज्य के तीनों सर्वोच्च पद महिलाओं के पास रहे श्रीमती प्रतिभा पाटिल, उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई। इसके बाद 10/12/2008 तक दोनों पदों मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष पर महिलाएं रही थी। निम्न में से किस विधानसभा चुनाव में एक ही दल को 80% से अधिक सीटों पर जीत हासिल हुई? 14वीं में। 14वीं विधानसभा के दिसंबर 2013 में हुए चुनाव में भाजपा को रिकॉर्ड 81.5% सीटों पर जीत हासिल हो गई थी भाजपा को 2013 में। क्या राज्यपाल अपने 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर रह सकता है? जब तक नया राज्यपाल नियुक्त ना कर दिया जाए वह पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सिफारिश पर लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल की सिफारिश पर। और संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ये बात बताई गई है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति से कहे तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 14वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 27 थी। पहले 28 थी, बाद में 27 हो गई। दिसंबर 2013 में हुए चुनाव में 14वीं विधानसभा में 28 महिला विधायक चुनकर आई थी, परंतु श्रीमती संतोष अहलावत के लोकसभा सदस्य चुन लिए जाने के बाद महिला विधायक 27 ही रह गई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 155। क्या एक विधायक या सांसद राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर अभी बता देता हूँ मैं। एक विधायक, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, नियुक्त किया जा सकता है परंतु पद ग्रहण करते ही उसका विधायक सांसद का पद रिक्त हो सकता है। राजस्थान के राज्यपाल का प्रति माह वेतन कितना है? तो 110,000 रुपये राज्यपाल का प्रति माह वेतन है, 110,000 रुपये। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेगा? ये एकमात्र परंपरा है। क्या है ये? एकमात्र परंपरा है। मई 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? 64.4%। तो मई 2014 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें 64.4% ही मतदान हुआ था। नीचे कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें सही कथन और गलत कथन बताना कौन सा सही है? तो कथन 1 सही है सिर्फ। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने हेतु राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, ये कथन सत्य है। अब हम वापस अत्य सत्य और असत्य बताने, तो जो दूसरा कथन है असत्य है, बाकी सभी सत्य है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की अनुशंसा के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, ये सत्य है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ प्रेषित कर सकता है, ये भी सत्य है। राज्यपाल हर वर्ष विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित करता है, ये भी सत्य है। राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर यह अध्यादेश जारी कर सकता है बशर्ते कि राज्य विधानमंडल का सत्र चालू ना हो, तो सत्र चालू नहीं होना चाहिए तभी कर सकता है। राज्य विधानसभा में आंगल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियंस का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उस समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है? 1 को। यदि राजस्थान में विधानमंडल के द्वितीय सदन उच्च सदन विधान परिषद का गठन हो जाता है तो राज्यपाल उसमें कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कुल संख्या के 1/6। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है? 6 वर्ष के लिए।
विधान परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें से एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनका स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं या मनोनीत कर लिए जाते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना पुनर्विचार कितने बार वापस लौटा सकता है, तो एक बार ही लौटा सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहते हैं? विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तभी लागू रहते हैं जबकि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश उसमें उल्लेखित तिथि से तुरंत लागू हो जाते हैं, इस हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कथन दिए गए हैं दो, तो इसमें से हमें सत्य और गलत कथन बताने हैं, तो दोनों कथन गलत है तो मैं नहीं बताऊंगा, दोनों ही कथन गलत है तो क्यों बताऊं? राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो इसमें आएगा 5 वर्ष। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी है तो चारों ही बता देता हूँ आपको। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाए यह निर्णय करने की शक्ति राज्यपाल की है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने पर उसे मानने की शक्ति यदि उसे ये संदेह हो कि मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या होने की संदेह होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भेजने की शक्ति भी राज्यपाल की है। राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल होता है राज्य कार्यपालिका का मुखिया, केंद्र व राज्य सरकार का मध्य सेतु, राज्य का प्रथम नागरिक। राज्यपाल द्वारा विधानसभा भंग कब की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश करने पर और विशेष स्थितियों में केंद्र सरकार के आदेश पर। जब राज्यपाल की दृष्टि से मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त न हो या अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद से हटा देता है। राजस्थान है यहाँ पे कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुए हुआ था, तो दरबारा सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्यों का शासन किसके नियंत्रण में हो जाता है, राज्यपाल के। ठीक है, आपातकाल लागू हो जाता है राज्यपाल शासन करता है। फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को कब हटा सकता है, जब मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त ना होता है तब। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्य के एकीकरण के तुरंत बाद 1949 ईस्वी में राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया क्या कहलाता था, राज प्रमुख। राजस्थान के एकीकरण के तुरंत बाद राज्य का संवैधानिक मुखिया राजप्रमुख कहलाता था तथा वास्तविक कार्यकारी मुखिया प्रधानमंत्री 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर प्रधानमंत्री का पदनाम मुख्यमंत्री हो गया। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वह राज्य का प्रथम नागरिक होता है, सही है। राज्य की समस्त कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, ये भी सही है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये भी सही है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है परंतु राष्ट्रपति उससे पहले भी पद से हटा देता है कभी कभी, या अन्य राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं।
राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा सही है तो बता देता हूँ मैं। राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं सत्रावसान करने की शक्ति है। राज्य विधायन मंडल द्वारा पारित कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप लेते हैं। व्याख्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश सहित की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेकर ही की जाती है। उच्च न्यायालयों में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की भी परंपरा है। कौन राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे हैं? तो सुरजीत सिंह बरनाला नहीं रहे हैं, बी आर पाटिल रहे हैं, बलिराम भगत रहे हैं, ओ पी मेहरा भी रहे हैं। राजस्थान का राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अधीन विषय से संबंधित अपराध के लिए दंडादेश का निलंबन या कम कर सकता है। मृत्युदंड की सजा को माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार तो राज्यपाल को है, परंतु उन्हें हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु विध प्रक्रिया से उन्हें हटा सकते हैं। राजस्थान में राजप्रमुख का पद कब तक रहा? तो 1 नवंबर 1956 तक रहा। प्रथम राज्य विधानसभा चुनाव का समय राजस्थान के राजप्रमुख कौन थे? तो महाराजा सवाई मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? 4। राज्य के भरतपुर, बीकानेर, करौली, धौलपुर, श्रीगंगानगर लोकसभा सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। 3 सीटें बांसवाड़ा, दौसा एवं उदयपुर सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी कर सकता है, उसका इच्छा हो जितनी बार करेगा। राष्ट्रपति कितनी बार एक व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? संविधान में इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और 16वीं लोकसभा में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें हैं? तो 16वीं लोकसभा में है 0, 17वीं में भी 0 थे। 16वीं लोकसभा 2014 के चुनाव में 25 की 25 सीटें भाजपा को मिली, और जो 17वीं लोकसभा हुई इसमें भी कांग्रेस को एक भी सीट ही नहीं मिली। राजस्थान से लोकसभा चुनाव 2014 में सर्वाधिक मतों से विजयी होने वाले सदस्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रामचरण बोरा जयपुर शहर। श्री रामचरण बोरा ने जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के श्री महेश जोशी को 5,39,345 मतों से हराया, जो राज्य में सबसे बड़ी जीत है। राज्य का कौन सा एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में है? तो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र का विस्तार राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली जिलों में 4 जिलों में एक साथ ही इसका। तो आगे चलते हैं, किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो बांसवाड़ा में है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण एसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परिसीमन के बाद राजस्थान में नवगठित लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? जयपुर ग्रामीण भी है, रायसमंद भी है, टोंक और सवाई माधोपुर, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा बाड़मेर। राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर है, जिसमें बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले शामिल है। कौन सा जिला निम्न में से कौन सा परिसीमन आयोग द्वारा पुनर्गठित लोकसभा क्षेत्र नहीं है? तो सलूम्बर नहीं है, जयपुर ग्रामीण भी है, टोंक सवाई माधोपुर भी है, राजसमंद भी है। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्य कौन है? तो कौन है लोकसभा? वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा राजे 5 बार, यथा 1999, 1991, 1996, 1998, 1999 में झालावाड़ से लोकसभा हेतु चुनी गई थी। वे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसका एक भी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो होगा इसका आंसर जोधपुर। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर ना कर दे। किन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने
राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो 1985 में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दिए जाने के बाद हुए संसद के चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ था। राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। संपूर्ण देश में कांग्रेस को पहली बार 400 से अधिक सीटें मिली थी। श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने गए थे। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री श्री नरोत्तम जो नमो नारायण मीणा थे। मनमोहन जो सरकार थी इसमें वित्त राज्य मंत्री थे श्री नमो नारायण मीणा। राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो सवाई माधोपुर टोंक। कौन से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी? तो 1989 नवी लोकसभा और 2014 से 14वीं में 16वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। 2019 में 17वीं लोकसभा में भी नहीं जीत पाई कांग्रेस। 1989 में कांग्रेस का विघटन हो जाने के बाद जनता दल भाजपा का गठन हुआ था तथा सभी विपक्षी दलों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा इसमें राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जनता दल गठबंधन की जीत हुई और कांग्रेस पहली बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। अप्रैल 2014 में हुए चुनाव 16वीं लोकसभा के चुनाव में भी 25 सीटें भाजपा ने जीती। तो आप याद रखिएगा कौन कौन सी 1989 में और 2014 में और 2019 में तीन बार भाजपा ही सारी जीत गई। कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाई, गठबंधन ने भी जीती है। राजस्थान से निर्वाचित वे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे कौन थे? बलराम जाखड़। व्याख्या, श्री बलराम जाखड़ सीकर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे। राजस्थान से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 25। 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसद कौन है? संतोष अहलावत। राजस्थान को आवंटित राज्यसभा सीटें की संख्या कितनी है? तो 10 है। लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी? श्रीमती उषा मीणा। राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? श्रीमती सुशीला बंगारू। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। वर्ष 1952 में संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य चुनी गई थी। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? रामनिवास मिर्धा। राजस्थान से निर्वाचित प्रथम महिला लोकसभा सदस्य महारानी गायत्री देवी किस पार्टी से लोकसभा में चुनी गई थी? स्वतंत्र पार्टी से। राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? महारानी गायत्री देवी। राजस्थान में लोकसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सांसद महारानी गायत्री देवी थी जो जयपुर क्षेत्र में से 1962 में तीसरी लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी चुनी गई थी। कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? चौथा नहीं है, प्रतापगढ़ उदयपुर। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, प्रतापगढ़ उदयपुर नहीं है। तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ है तथा उदयपुर अलग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। टोंक सवाई माधोपुर है, झालावाड़ 12 है, जालौर सिरोही भी है। कौन जनवरी 2018 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं? तो विजय गोयल भी है, भूपेंद्र यादव भी है, राजकुमार वर्मा भी है। जून 2016 में हुए चुनाव में श्री राम कुमार वर्मा, श्री हर्षवर्धन सिंह एवं श्री वेंकैया नायडू राज्यसभा हेतु निर्वाचित हो गए हैं। गए थे बाद में श्री वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने पर यह सीट रिक्त हो गई। राजस्थान से केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई प्रथम महिला सांसद कौन है? गिरिजा व्यास है केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से पहली बार शामिल की गई महिला गिरिजा व्यास। सुश्री गिरिजा व्यास को 1991 में VC नरसिम्हा राव द्वारा अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो राजस्थान में अब तक 16वीं लोकसभा तक कितनी महिलाएं लोकसभा हेतु निर्वाचित हो चुकी थी? तो 17। 16वीं तक 17 हो चुकी थी। राजस्थान जो है यहाँ से निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो भरतपुर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित। राजस्थान से बीकानेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर एवं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र,
अनुसूचित जाति SC के लिए आरक्षित है। राजस्थान से 16वीं लोकसभा का सदस्य है कर्नल सोनाराम, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन लाल मीणा। अब कार्यपालिका, कार्यपालिका राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों अब कार्यपालिका नया टॉपिक आ गया, ध्यान रखिएगा आप। कार्यपालिका राजस्थान की जो राज्य की जो कार्यपालिका के बारे में जो मुख्य अनुच्छेद है, जो मुख्य मुख्य क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य में प्रथम बार 1967 से में जो राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण क्या था? विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण सरकार का गठन ना हो पाना। राज्यपाल निम्न में से किस परिस्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रदान होता है? जब राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू हो। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल के दौरान राज्य की मंत्रिपरिषद भंग होती है, अतः राज्यपाल ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रशासक होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सेकंड कथन सही नहीं है, पहला और तीसरा सही है। राज्यपाल को 110,000 तक मासिक वेतन मिलता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है। व्याख्या, लोकायुक्त का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन थे? हीरालाल देवपुरा। अशोक गहलोत ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? 8 दिसंबर 2008 को। अब तीसरी बार मुख्यमंत्री वर्तमान में श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बनी थी? 2003 से 2008 में। राज्य के पहले एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खां। राज्य के पहले व एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो मुख्य सचिव करता है। कैबिनेट की बैठकों का एजेंडा मुख्य सचिव तैयार करता है। राज्य में मंत्रिमंडलीय सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्य मुख्य सचिव ही करता है, अतः इसकी बैठकों हेतु कार्यवर्त एजेंडा वह मुख्यमंत्री की सलाह से तैयार करता है, वही बैठकों के मिनट्स भी लिखता है। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के पास होती है। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? चतुर्थ विधानसभा में की गई थी। राज्य में संसदीय सचिव का पद 1967 में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। इनकी नियुक्ति व शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री द्वारा ही करवाई जाती है। निम्न में से कौन सा कार्य मंत्रिपरिषद का है? तो इसका सही आंसर होगा सभी कार्य, चारों कार्य। राज्य सेवा की शर्तों का निरूपण एवं संशोधन, नए कानूनों के निर्माण हेतु विधानसभा में विधेयक लाना, राज्य के शासन प्रबंधन की नीतियों का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद की कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक है? मंत्रियों का आपसी सहयोग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का पूर्ण सहयोग, मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व। संविधान के 21 अनुच्छेद में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद 164। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का दायित्व क्या होता है? विभागीय प्रशासन पर नियंत्रण करना, मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना, मंत्रिमंडल के निर्णयों की सही व सुगम अनुपालना सुनिश्चित करना। कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालयों का नहीं है? केंद्र राज्य संबंध नहीं है, बाकी नीतियों का निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन,
अंतर विभागीय समायोजन, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति, तो मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में प्रधानमंत्री की है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। यदि किसी एक दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल के विवेकानुसार जो व्यक्ति विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त कर सके उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राज्यपाल द्वारा किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल किसे मंत्री नियुक्त कर सकता है? मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को। अब निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, तो इसकी व्याख्या है, तो कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। तो मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है कि वे विधानसभा या विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल होने पर का सदस्य हो। यदि नहीं हो तो वह प्रधान पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर उसे सदस्य बनना आवश्यक है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 का 15% 30 होता है, अतः मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित कुल 30 मंत्री कैबिनेट राज्य तथा उपमंत्री हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राज्यपाल को। सरकार के किसी विभाग का प्रशासनिक प्रधान मुखिया कौन होता है? शासन सचिव। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्री के बाद मंत्री होते हैं। अब है राज्य का प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके मुख्यमंत्रित्व में गठित की गई थी? भैरव सिंह शेखावत। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर क्या स्थिति होगी? राज्यपाल उसे हटा देगा। मुख्यमंत्री उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जिसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास हासिल हो सके। यदि बाद में उसमें बहुमत का विश्वास नहीं रहता है तो उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्या विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, परंतु उसे पद ग्रहण तिथि से 6 माह के भीतर भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त होने के लिए व्यक्ति का विधानसभा या विधान परिषद, यदि विधान परिषद विधानमंडल है तो विद्यमान है तो ठीक है, का सदस्य होना आवश्यक है। परंतु यदि अन्य व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो उसे पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा उसका पद 6 माह बाद स्वतः निरिक्त हो जाएगा। मंत्री परिषद के सदस्यों मंत्रीगण के विभागों का आवंटन एवं उसमें फेरबदल करने का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? मुख्यमंत्री को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहने तक। मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 25 वर्ष। राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष निर्धारित है, अतः 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते उसे विधानसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। मुख्यमंत्री तो अलग से आयु निर्धारित नहीं है। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी
सेतु का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। श्री भैरव सिंह शेखावत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने? तीन बार बन गए भैरव सिंह शेखावत। श्रीमती कमला राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पर नियुक्त की गई थी? मोहनलाल सुकाडिया। राज्य के मुख्यमंत्रियों का उनके कार्यकाल के घटते हुए समय के अनुसार कौन सा जो क्रम है सही है? तो ऑप्शन नंबर 3, मतलब मोहनलाल सुकाडिया, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी। श्री मोहनलाल सुकाडिया लगभग 16 वर्ष 9 माह मुख्यमंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत 10 वर्ष 5 माह। श्री अशोक गहलोत 10 वर्ष। श्रीमती वसुंधरा राजे 5 वर्ष प्लस जनवरी 2018 तक 10, मतलब 10 वर्ष वसुंधरा राजे को गए। अशोक गहलोत अभी हो गए, इनको अशोक गहलोत को अभी को मिला लेंगे तो लगभग अभी का कार्यकाल 10 के बाद और ऐड करते जाएंगे। जितने बार अगर 5 साल पूरे रहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो 5 साल ऐड हो जाएंगे। श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, अब अशोक गहलोत हैं। राज्य के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए स्वर्गवास हो गया था? बरकतुल्ला खां, श्री बरकतुल्ला खां। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य बने बिना मुख्यमंत्री बन रह सकता है? 6 माह तक। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था वे कौन से? यह है वसुंधरा राजे। वर्तमान मुख्यमंत्री जो पहले थी अभी नहीं है, वर्तमान अशोक गहलोत भी। वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हुआ था। किसके नेतृत्व में राजस्थान में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाली सरकार का गठन हुआ? वसुंधरा राजे। वर्ष 2003 में 12वीं विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 120 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनाई थी 2003 में। राज्य के किस मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा के अब तक के सर्वाधिक सदस्यों का विश्वास हासिल हुआ है? तो वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे को दिसंबर 2013 में जो वसुंधरा राजे थी इनको 2013 में जो हुए थे 14वीं विधानसभा के चुनाव, इसमें सर्वाधिक 163 सीटें मिल गई। कितनी? 163 सदस्यों का विश्वास हासिल था। उपचुनाव के बाद इनके दल के विधायकों की संख्या 160 ही रह गई, 3 कम हो गए थे, लोकसभा के उधर चले गए थे और अभी उपचुनाव हुए थे उसके बाद कम हो गए थे। राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मिला है वसुंधरा राजे को। राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए क्या आवश्यक है? उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य या मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के भीतर सदस्य हो गया हो। भारत का नागरिक भी होना चाहिए वो। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो हीरालाल शास्त्री। व्याख्या, राजस्थान के गठन 30 मार्च 1949 के बाद राज्य का दर्जा 20 श्रेणी का था तथा यहाँ राज्यपाल के स्थान पर राजप्रमुख तथा मुख्यमंत्री के स्थान पर प्रधानमंत्री का पद था। पहले प्रधानमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री पदनाम कर दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्या कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बिना होते हुए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है क्या? हाँ, किया जा सकता है, परंतु उसे पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक होगा। राज्य मंत्रिपरिषद जो राज्य का मंत्रिमंडल होता है उसके मंत्रीगण अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में। राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पदनाम मुख्यमंत्री कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता के बाद एक समय ऐसा आया जब यहाँ की लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद एक ICS अधिकारी को सरकार का मुखिया बनाया गया। वह ICS अधिकारी कौन था? श्री CS वेंकटाचारी। राज्य के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनाव में ही चुनाव हार गए थे? जय नारायण व्यास।
राज्य प्रशासन व शासन सचिवालय का मुखिया कौन होता है? मुख्य सचिव। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री टीकाराम पालीवाल। किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे? जय नारायण व्यास। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? मार्च 1978 में राष्ट्रीय आपातकाल के बाद विधानसभाओं के चुनाव करवाए गए, जिसमें राजस्थान में मार्च 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी तथा श्री भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल की गई राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन है? श्री गिरिजा व्यास। संविधान के 21 अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्यपाल की सहायता व परामर्श देने हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, तो अनुच्छेद 163 में है। राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो 1967 में 1967 से राज्य में पहली बार संसदीय सचिव की व्यवस्था 1967 में मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने प्रारंभ की थी। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, जो फर्स्ट जहां लिखा है वहां मुख्यमंत्री आएगा। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, संसदीय सचिव को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कराता है, तो दोनों में मुख्यमंत्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? जब विधानसभा में उसे बहुमत का विश्वास ना रहे, जब विधानसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया अगर, तब भी उसको हटना पड़ता है मुख्यमंत्री को। जब विधानसभा में सरकार द्वारा लाया गया विश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, तब भी। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव एवं राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पूर्ण होने से पूर्व ही उसे बर्खास्त कर पहली बार राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनाव हुए थे? भैरव सिंह शेखावत। केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने के बाद 17 फरवरी 1980 को राज्य की भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार को बर्खास्त कर पहले मध्यावधि चुनाव करवाए गए। कौन सा कथन असत्य है? तो सेकंड असत्य है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सत्य है, मतलब पहला तीसरा और चौथा सही है। मैं बता रहा हूँ सही कथन। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची एजेंडा को अंतिम रूप मुख्यमंत्री देता है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने से संपूर्ण मंत्रिपरिषद विघटित हो जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। सत्य कथन बताना है, तो फर्स्ट कथन सत्य है। मुख्यमंत्री बहुमत प्राप्त होने पर भी विधानसभा विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल को भेज सकता है। राज्य के निम्न मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? हरदेव जोशी का कार्यकाल। शिवचरण माथुर 4 वर्ष 5 माह 23 दिन। हरदेव जोशी का रहा था 6 वर्ष 7 माह 28 दिन। जे नारायण व्यास का रहा 2 वर्ष 10 माह 9 दिन। बरकतुल्ला खा का 2 वर्ष 3 माह और 2 दिन। राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो बढ़ते हुए क्रम में बताना, सबसे पहले कम आएगा फिर ज़्यादा आएगा ऐसे। तो हीरालाल शास्त्री, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत। तो अब दोस्तों जो 3 नंबर है, अगर अभी वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो अशोक गहलोत का ज़्यादा हो जाएगा कार्यकाल आने वाले समय में। तो अभी तक तो यही है, क्योंकि अशोक गहलोत को अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ मुख्यमंत्री बने हुए। तो धीरे धीरे ऑप्शन नंबर अशोक गहलोत जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा कार्यकाल इनका। कुल कार्यकाल भैरव सिंह शेखावत 10 वर्ष 5 माह, अशोक गहलोत 10 वर्ष 7 दिन, हरदेव जोशी 6 वर्ष 7 माह 28 दिन, हीरालाल शास्त्री 1 वर्ष 9 माह 28 दिन। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। 1967 में तीसरी विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने व सरकार का गठन न हो पाने के कारण
राज्य में लगभग 1.5 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसके बाद श्री मोहनलाल सुखाड़िया पुनः मुख्यमंत्री बन गए थे। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है, कोई सीमा नहीं है इसकी। कोई भी व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती है। जब भी विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास हो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों न्यायपालिका। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से असत्य कथन बताना है। तो पहला और दूसरा असत्य है और तीसरा चौथा सत्य है, तो मैं सत्य कथन बता रहा हूँ। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? जोधपुर में मुख्य पीठ। और उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में भी है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1949 में। ऑप्शन में दे रखा 1950 से गलत है, तो सही होगा 1949। 1949 में क्या हुआ था? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तथा इसका क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। जनवरी 2018 में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रदीप नंद्राजोग हैं। तो चेंज होते रहते हैं न्यायाधीश, आप करंट के अफेयर्स को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको इसका सही पता लग सके। तो नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बस्सी में। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई थी बस्सी में। राजस्थान राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा बनाए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश के अलावा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। तो राष्ट्रपति द्वारा होती नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर में है और खंडपीठ जयपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ कब स्थापित की गई थी? 31 जनवरी 1977। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किस अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 वर्ष की आयु तक। राजस्थान में जिला स्तर फौजदारी मामले के लिए स्थापित न्यायिक संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा सेशन कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री कमलकांत वर्मा। कुछ न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता को उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 217(2) में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ख) में क्या प्रावधान है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने की प्रक्रिया। राज्य के जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय में की जा सकती है, उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर किस तरह रिक्त हो सकता है? तो 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने या इससे पूर्व स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र देने से, किसी जज का स्थानांतरण अन्य हाईकोर्ट में करने पर या उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने पर, संसद द्वारा पारित महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाने पर। यदि कोई पक्षकार राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वह इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, हाईकोर्ट के बाद अपील। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद। अब विविध है, मिक्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत बार। तो राज्य में कृषि एवं सिंचाई संबंधित आंकड़े एकत्रित एवं समन्वित करने का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल करता है।
राजस्व मंडल होगा इसका सही आंसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। पर याद रखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नहीं हटा सकता है, उसको हटाता राष्ट्रपति है और नियुक्त करता राज्यपाल। राजस्थान उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 50। पूर्व में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश से 40 थी, जिसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे हेतु गठित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर में। राजस्व मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान का राजस्व मंडल है एक अर्ध न्यायिक निकाय है। राजस्थान भू अभिलेखों, भू राजस्व एवं भू प्रबंधन की व्यवस्था का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? राजस्व मंडल। राजस्व मामलों में राजस्व के जो मामले होते हैं, राज्य का सर्वोच्च अपीलीय पुनर्विलोकन जो कौन एवं संदर्भ रेफरेंस राजस्व न्यायालय कौन करता है? तो कौन सा है? तो राजस्व मंडल है। जो राजस्व मामले होते हैं उसमें राज्य का सर्वोच्च अपीलीय पुनर्विलोकन और संदर्भ रेफरेंस राजस्व न्यायालय कौन सा है? राजस्व मंडल होता है। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे? अजमेर में। मुख्यालय अजमेर में तथा एक सर्किट बेंच जयपुर में। राजस्व संबंधी मामलों में संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, SDO, तहसीलदार आदि किसके निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं? राजस्व मंडल। कौन सा कार्य राजस्व मंडल करता है? पशु गणना आयोजन करता है। राजस्व इकाइयों का गठन भी राजस्व मंडल करता है और कृषि गणना व कृषि सांख्यिकी भी यही करता है। राजस्व मंडल अपना राजस्व संबंधी कार्य किस अधिनियम के तहत करता है? राजस्थान भू राजस्व अधिकरण 1956, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। किसी राज्य में तीनों सर्वोच्च संवैधानिक पद एक समय महिलाओं के पास रहे? तो राजस्थान में 2004 से 2007 तक तीनों सर्वोच्च पद महिलाओं के पास थे। तब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल एवं विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह थी। वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का पंचायत अवधि क्या थी? 1/4/2010 से 31/3/2015। पाँचवें वित्त आयोग की पंचायत अवधि 1/4/2015 से 31/3/2020 है। पाँचवें वित्त आयोग की पंचायत अवधि क्या है? 1/4/2015 से 31/3/2020। राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया जाता है? मई 1999 में। राज्य में नियुक्त केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्य अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सामान्यतः केंद्रीय सिविल सेवा के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होता है, परंतु राष्ट्रपति इससे पहले भी यथोचित कारण होने पर उन्हें पद से मुक्त कर सकते हैं। अतः सेवा की शर्तों के अनुसार वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा सिविल सेवा के अधिकारी अपने पद पर कब तक कार्य करते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। व्याख्या: राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रहते हैं, परंतु राज्यपाल उन्हें पहले भी पदमुक्त कर सकते हैं, अतः वे भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? 4 बार हो गया। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल कब लागू किया गया था? 13 मार्च 1967, 13 मार्च 1967। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख थी। राजस्थान में केंद्रीय प्रशासनिक अपीलीय न्यायाधिकरण CAT कहाँ पे? जयपुर जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक अपीलीय न्यायाधिकरण है CAT जयपुर जोधपुर में।
वाणिज्यिक करों से संबंधित मामलों का निपटारा करने हेतु गठित राजस्थान कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में। राज्य के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री अमर सिंह राठौड़। राज्य तृतीय वित्तायोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? श्री माणिक चंद्र सुराना। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्तायोग का गठन कितनी अवधि में किया गया? हर 5वें वर्ष में। श्री आर के नायर की राज्य के प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में नियुक्ति कब की गई थी? 28 मार्च 2001 को। श्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 2011 को। केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2002 में गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। राजस्थान में लोकायुक्त की प्रथम बार नियुक्ति कब हुई थी? अगस्त 1973 में। राज्य में मंत्री एवं लोकसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं बेईमानी पूर्ण कार्यों के आरोपों के जांच एवं अन्वेषण हेतु नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? लोकायुक्त। राजस्थान के प्रथम मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC किसे नियुक्त किया गया था? श्री आर के नायर को। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? मई 1999 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1999 को। 18 जनवरी 1999 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? श्रीमती कांता खतूरिया। राजस्थान सरकार ने 12 दिसंबर 2007 को प्रशासनिक सुधार मानव संसाधन विकास एवं जनशक्ति आयोजना समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर NM सिंघवी। राजस्थान में जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1954 में। राजस्थान में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? 9 जून 2009। राजस्थान से पहले 5 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, सिक्किम, मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किए जा चुके हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 73 एवं 74 व संविधान संशोधन अधिनियम 1993। राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। 31/1/1992 को गठित राष्ट्रीय महिला आयोग की लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी? डॉक्टर गिरजा व्यास। भारतीय थल सेना की 15 अगस्त 2005 से गठित 7वीं कमान दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। भारतीय थल सेना की 15 अगस्त 2005 से गठित 7वीं कमान दक्षिण पश्चिम का कमान का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। संस्था गठन की तिथि को मैं बताना गलत है, जो मैं सही से बता देता हूँ। राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण 1 जुलाई 1976। राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1976 में हुआ था। कर बोर्ड का हुआ था 1 अक्टूबर 1995। राज्य मानवाधिकार 18 जनवरी 1999। सालसा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1988 को जयपुर में। राज्य गरीब व असमर्थ लोगों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान के 5वें राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? 5वें कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा रामलू भाया। श्री रामलू भाया के सेवानिवृत्त होने पर 4 जुलाई 2017 को श्री प्रेम सिंह मेहरा छठे राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए। राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय मेला प्राधिकरण का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन मंत्री।
राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राज्य टैक्स सेटलमेंट बोर्ड का मुख्यालय है जयपुर में। इस बोर्ड के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे तथा दो अन्य सदस्य होंगे। सभी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राज्य का प्रथम लोकायुक्त किसे बनाया गया? आई डी दुआ जो राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे आई डी दुआ। राज्य की कार्यपालिका में शामिल है राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री तथा शासन सचिवालय। राजस्थान के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त छठे कौन बने? प्रेम सिंह मेहरा। श्री मेहरा जुलाई 2017 में इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने राम लुभाया का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु या पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष जो भी पहले हो होता है, जबकि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। राजस्थान सरकार को विधिक मामलों की सलाह देने एवं न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? महाधिवक्ता की। केंद्र में नियुक्त महान्यायवादी की तरह राज्य सरकार की ओर से न्यायालयों में पैरवी करने व राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह हेतु राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, केंद्र में होते हैं महान्यायवादी और राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 4। 11 जून 2016 को निम्न में से राजस्थान के राज्यसभा में निर्वाचित हुए हैं वेंकैया नायडू, राम कुमार वर्मा और ओम प्रकाश माथुर एवं हर्षवर्धन सिंह। श्री वेंकैया नायडू अगस्त 2017 में देश के उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 ज। राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 243 ज। तो याद रखिएगा 243 ज। सेम ही क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के 243 ज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राजस्थान के जो राजस्थान है, राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन करने हेतु कितने विधानसभा सदस्य मतदान कर सकते हैं? तो विधानसभा के सभी 200 सदस्य मतदान कर सकते हैं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन करने हेतु। तो कितने भी कर सकते हैं, विधानसभा के सभी 200 सदस्य। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसमें मैंने पूरा ये टॉपिक कवर किया है। पेज नंबर इसमें, इस वीडियो में लगभग मैंने लक्ष्य पुस्तक के 25 पेपर कवर किए हैं टोटल। तो इसमें स्टार्ट किया था मैंने, शुरू से आखिर तक कवर किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने टॉपिक नंबर जो 6 है, राज्य व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, पेज नंबर 86 से लेके 86 से लेके पेज नंबर 109 तक था। तो मैंने सभी इसमें कर लिया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी ज़रूर। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो अधिक शेयर और अधिक लाइक होने पर मैं इसके आगे के पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसके अगर पहले वाले पार्ट आप देखना चाहते हैं 5, 4, 3, 2, मैंने इसके सारे पार्ट बना रखे हैं। धीरे धीरे मैं पूरी बुक कवर करने वाला हूँ, तो आपको पूरी बुक मिल जाएगी। मेरी प्लेलिस्ट एजुकेशन दोस्त चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको, इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और बेल आइकन जो है होगा इसके पास में दबा दीजिएगा। उससे होगा क्या कि जैसे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, अगर आपको पार्ट चाहिए होंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो पार्ट आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आप उसे आसानी से देख सकेंगे। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा नई वीडियो आने पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।